जाहिर तौर पे ये एक राजनीतिक गाना है, एक राजनीतिक पार्टी के सोशल मीडिया पर शेयर हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास आघाड़ी में जो घटक दल हैं उनमें बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। इसके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंचे और यहाँ जो चुनावी जनसभा हुई उसके वीडियो में ये गाना लगा करके सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर पे एक्स हैंडल पे शेयर किया गया है। अब इस वीडियो से निकला हुआ संदेश या इस गाने का बोल अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये संदेश साफ तौर पे कांग्रेस के लिए है। महाविकास आघाड़ी में सीट को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो रही है। हरियाणा हारने के बाद समाजवादी पार्टी ये कई बार साफ कर चुकी है कि कांग्रेस को ज़्यादा सतर्क रहना है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। और इसका क्या संकेत है? इसका संकेत ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से हरियाणा में समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया, उसी तरीके से अगर महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन है उसमें अगर समाजवादी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो खेल यहां भी खराब हो सकता है। आपके स्क्रीन पर वो फोटो और वीडियो लगातार चल रहे हैं जिसको देख करके ये साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता सीट शेयरिंग पर हो रही चर्चा के बीच अगर महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने की बात कर रहे हैं, अगर जो समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र गुट है, महाराष्ट्र इकाई है, अगर वो बार बार कह रहा है कि पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है तो इसके क्या मायने? इसके मायने सीधा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले ये साफ करना चाहती है कि हम चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ ही जाना चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी के बैनर तले ही जाना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे होगा ये तय करना कांग्रेस का काम है। आगे बात करें उसके पहले समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं और विधायक हैं अबू आजमी, उनकी बात सुन लीजिए। महाविकास आघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, तीन ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के जरिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस मिल लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है ये, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। नाराजगी नहीं है, लेकिन उनको मैं याद दिला रहा था कि हम भी एक हैं महाविकास आघाड़ी के, हम लोगों ने पूरे इंडिया अलायंस में काम किया, बहुत फ़ायदा हुआ और अखिलेश जी, राहुल जी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बातचीत भी इनकी होती है। मैंने दोनों को भेज दिया कि दोनों कल कश्मीर में थे, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि लोग पढ़ लेंगे तो शायद ये लोग आपस में बात करके जल्दी फाइनल कर दें। समाजवादी पार्टी कितनी सीट मांग रही है? सर मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊंगा। तो जैसा कि आपने सुना अबू आजमी को, अखिलेश यादव इस वीडियो के माध्यम से, अपने हालिया महाराष्ट्र दौरे के माध्यम से राहुल गांधी को ये साफ संदेश दे रहे हैं कि जिस तरीके से उनके चाहने के बाद भी, और ये बात साफ है कि राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन हो जाए और अखिलेश यादव को भी सम्मानजनक सीटें दी जाए, लेकिन हरियाणा में जो गुट है कांग्रेस का, जो हरियाणा इकाई है, उसकी वजह से वहाँ गठबंधन नहीं हुआ। तो इस बार महाराष्ट्र चुनाव से पहले अखिलेश यादव जो कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के बगल में बैठे थे, वीडियो वो फोटो भी आपके स्क्रीन पर है, वो महाराष्ट्र से राहुल गांधी को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को एकजुट रहना है, अगर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन साथ लड़ी तो उसका फायदा हुआ, अगर वो तालमेल बने रहना है तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को उतनी सीटें देनी पड़ेंगी जितनी समाजवादी पार्टी चाहती है। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 सीटें चाहती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वहां 7 सीटें लड़ी थी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली थी। अब इस बार समाजवादी पार्टी चाहती है कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनकर के
ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में पार्टी जीते, ताकि अभी जो समाजवादी पार्टी की मान्यता एक स्टेट पार्टी के तौर पे है वो नेशनल पार्टी के तौर पे एस्टेब्लिश हो सके। तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले अखिलेश यादव का वहां दौरा करना, दो जगहों पे अपनी पार्टी की चुनावी सभा को संबोधित करना, महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी का गुट है उसका बार बार सीटों को लेकर के अपना रुख साफ करना, और अखिलेश यादव का भी मीडिया से बात करते हुए ये कहना कि हरियाणा में जो रिजल्ट आया उसके बाद हम सबको सावधान नहीं ज्यादा सावधान रहना है। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव ये सारी बातें कांग्रेस से कह रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व से कह रहे हैं। अगर महाराष्ट्र से थोड़ा बाहर निकलें, उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर के बहुत आखिर तक बातचीत होती रही, और समाजवादी पार्टी ने खुद ही आगे बढ़ के पहले अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, और जो जानकारी अभी तक आ रही है वो ये कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का जो उत्तर प्रदेश गुट है वो खुश नहीं है। अब देखना ये पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उनको देखना पड़ेगा कि स्टेट लीडरशिप के साथ वो कैसे तालमेल बनाते हैं और समाजवादी पार्टी जो चाहती है वो उसको कैसे मिलता है। दिलचस्प यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव सामने है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, अब सब कुछ पार्टियों को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है अपने गठबंधन में, सीटों के शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। अब इधर महाविकास अघाड़ी में चीजें कैसे तय होती हैं। अब एक बार नेता अपने गठबंधन में सीटों की शेयरिंग तय कर ले तो फिर जनता की बात होगी, फिर जनता के पास पहुंचेंगे, उनकी बात होगी और उनसे ये कहा जाएगा कि हम आपके लिए क्या कुछ करेंगे और आप हमें वोट दीजिए। चुनाव का समय है, दिलचस्प समय है। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। इसी तरीके के विश्लेषण, रिपोर्ट्स, इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, झारखंड से भी, उत्तर प्रदेश से भी। बहुत बहुत शुक्रिया।